हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में मिक्सर्स के बारे में बात की थी। मिक्सर हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास कोई भी रेशियो आ जाए, हम कोई चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, वो किसी फिक्स रेशियो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई भी रैंडम रेशियो वहाँ पर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, मिक्सर बोलते हैं। इसके हमारे पास दो टाइप हमने पढ़ लिए थे, होमो और हेट्रो। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कि जो मिक्सर है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आएंगी मिक्सचर की। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास यही आ गया सेम, कि हमारे पास ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, हमारे पास पार्टिकल्स लगा लो हमारे पास, या तुम्हारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, वो क्या है हमारे पास किसी भी रैंडम रेशियो में आपके पास मिलेंगे। हमारे पास जरूरी, हमारे पास वाटर वाला केस आया था, तो वाटर में क्या आया था, 2:16 हमारे पास क्या आया था, 1:8 का रेशियो फिक्स हो गया था। यहाँ हमारे पास रेशियो क्या है, कोई भी रैंडम रेशियो आपके पास आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्सर बोलेंगे। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया, वाटर है, आपने उसमें सोल्ट ऐड कर दिया, तो मैंने किसी ने अपने हमारे यहाँ क्या कर दिया, मैंने एक स्पून ऐड कर दी, कहीं हम क्या कर रहे हैं, मान लो दो स्पून ऐड कर दी, कहीं हमारे पास तीन स्पून ऐड कर दी, तो क्या हमारे पास उसका रेशियो डिफरेंट डिफरेंट, हम कोई भी रेशियो रैंडम वहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मिक्सर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अभी बात हम पहले कर चुके हैं, इसके दो टाइप होते हैं, होमो और हेट्रो। लेकिन हमारे पास जो वो हम डिफरेंस में बात कर लेंगे इसकी, हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, होमो हेट्रो दोनों हो सकते हैं। थर्ड हम बात करें हमारे पास पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होंगी, किसी भी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो प्रॉपर्टी उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलती जुलती आएंगे। जैसे हमारे पास वाटर में मैंने साल्ट ऐड कर दिया, तो इसमें हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये सोल्टी वाटर बन गया। इसमें हमारे पास क्या है, सोल्ट की प्रॉपर्टी भी है और वाटर की प्रॉपर्टी, दोनों के हमारे पास क्या आ रही है, मिक्स आ रही है बेसिकली। हमारे पास क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से मिलती जुलती हमारे पास लाई करेंगी। और हम बात करें तो हमारे पास अगर हम एनर्जी की बात करें, हमने एनर्जी या हीट की बात की थी, जहाँ कंपाउंड में हमारे पास क्या आया था, कोई ना कोई एनर्जी या हीट का चेंज आएगा। यहाँ हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई मिक्सचर बनता है, ना ही हमें वहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, ना ही हमें वहाँ हीट कोई रिलीज होती है, मतलब ना ही गेन होगा एनर्जी का, या ना ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। हमारे पास सिंपल ये एग्जांपल था, वाटर में अपने साल्ट आराम से मिक्स कर दिया, हमारे पास ना कोई हीट निकल के आई है, ना हमने उसको हीट किया है, तो हमारे पास चीज़ें आराम से हमारे पास क्या होंगी, हमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, ना ही एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, हम इनको ईजिली मिक्स कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, अलग अलग करना हो हमें वाटर और साल्ट का मिक्सचर है, सोल्टी वाटर, उससे वापस क्या करना हो, वाटर अलग करना है, सॉल्ट अलग करना है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड्स। सिंपल हम इसको क्या बोलें, इनको इनकी जो सेपरेशन है वो हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं आपके पास। जैसे हमारे पास हमने फिल्ट्रेशन यूज़ कर लिया, हम आगे पढ़ेंगे सारे मेथड्स, ये फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन हमारे पास, तो इन मेथड्स हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली हमारे पास हम अलग अलग कर सकते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ, सोल्टी वाटर हमारे पास आपने धूप में रख दिया, वाटर वेपर्स हमारे पास उड़ जाएंगे, सोल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए एक्सेट वहाँ पे अलग से बच जाएगा। तो हमारे पास ये जो सब बातें हैं आपके पास, ये बेसिकली हमारे पास किसके बारे में है, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास किसकी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी आएंगी बेसिकली, यहाँ पे मिक्सचर्स की। इसके अलावा हम डिफरेंस कई बार पूछते हैं एग्जाम में, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है मिक्सचर में और कंपाउंड में, तो वहाँ हमने जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वही सारे पॉइंट क्या होने हैं, रिपीट होने हैं। अगर मैं बात करूँ मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ और हमारे पास क्या हो गया कंपाउंड, तो हमारे पास सारा रिवाइज भी हो जाएगा, वही सब बातें आनी हैं। मिक्सचर हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि हमारे पास मिक्सचर में क्या होता है, हमारे पास कोई भी रैंडम रेशियो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ रेशियो क्या आएगा, फिक्स आएगा। जैसे हमने वाटर का या CO2 का बात किया था, तो CO2 हमारे पास रेशियो क्या आया था, या बताएं कमेंट सेक्शन में। हमारे पास वाटर में मैंने कितना बताया था आपको, 1:8 का रेशियो हमारे पास आता है। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो कोई भी रैंडम हो सकता है, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फिक्स रेशियो आएगा। सेकेंड हमने बात की थी अभी, तो सेकेंड हमारे पास क्या था, जो मिक्सचर है वो क्या कर रहा है, अपने कंपोनेंट्स की ही प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। सोल्टी वाटर में क्या है, सोल्टी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही हैं और हमारे पास वाटर की भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ हमने बात की, जैसे C+O2 से क्या बन गया, CO2, मैंने क्या बताया था, कार्बन कम्बस्टिबल है, ऑक्सीजन क्या करती है, कम्बशन को सपोर्ट करती है, लेकिन जो CO2 है हमारे पास ये क्या है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, हमारे पास ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, ये उससे एंटायरली डिफरेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है, कि हमारे पास ये क्या करेगा, उसको
सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या आ रही हैं, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है एंटायरली डिफरेंट है, इसकी हमारे पास क्या आ रही प्रॉपर्टी अलग आ रही। तो हमारे पास ये कहाँ आएगा कंपाउंड में, यहाँ प्रॉपर्टी हमारे पास लगभग क्या होती हैं सेम होती हैं। अगली हम बात करें तो हमारे पास इसकी कंपोजिशन है वो हमारे पास बेसिकली हमने क्या बोल दिया, चलो हम बात कर लेते हैं होमोहेड्रो की। तो मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं होमोहेड्रो दोनों होते हैं आपके पास, लेकिन हमारे पास जो ये आएगा इसमें हमारे पास हमेशा कैसा होता है कंपाउंड, कंपाउंड हमेशा कैसा मिलेगा आपको होमोजीनियस ही मिलेगा। हमारे पास CO2 है, हमारे पास सारी एक जैसी दिखेंगे, हमारे पास वाटर क्या है पूरा हमारे पास, उसमें ये नहीं कि एच अलग घूम रहा है ओ अलग घूम रहा है, हमारे पास वाटर क्या दिखता है पूरा हमारे पास एक जैसा ही दिखेगा, कैसे नेचर का आएगा होमोजीनियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम एनर्जी चेंज की बात करते हैं। तो हमारे पास इस केस में क्या होती है कोई एनर्जी चेंज हमारे पास नहीं आएगा, एनर्जी हमारे पास हीट कोई एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई हमारे पास रिलीज नहीं होगी। इस केस में क्या हो सकता है एब्जॉर्ब भी कर सकता है वो रिलीज भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास हीट चेंज एनर्जी चेंज कुछ ना कुछ पक्का आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास और हम बात करें तो हमारे पास जो मिक्सर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लगा लो बॉइलिंग पॉइंट लगा लो वो हमारे पास फिक्स नहीं होता है। हमारे पास क्या है ये किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल क्या आएगा फिक्स आएगा आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा फिक्स आएगा। मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं जो फिजिकल मेथड्स हैं हमारे पास उनसे आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो हमने बात की है फिल्ट्रेशन वगैरह से डिस्टिलेशन वगैरह से, इसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हमें अगर अप्लाई करना भी है तो हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग करने के लिए। एग्जांपल आपको पता ही है आप वाटर में साल्ट शुगर हमारे पास कुछ भी ऐड करते जाओ किसी भी रेशियो में ऐड कर लो, और यहाँ मैंने क्या बताया आपको वाटर CO2 वगैरह हमारे पास ये क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल। तो यहाँ तक हमने प्योर सब्सटेंस और हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं वो कंप्लीट हो गया। प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो पार्ट आए थे, एक एलिमेंट था एक कंपाउंड था। हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एलिमेंट में क्या क्या आया था, मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं मेटलॉइड्स उनकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने कंपाउंड के बारे में बात की तो कंपाउंड क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और एट लास्ट हमने किसके बारे में बात की है मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कंपाउंड में मिक्सचर में क्या डिफरेंस आपके पास आएगा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।